विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. अब हमसे यहाँ पर सेल वॉल के फंक्शन को पूछा गया है और कौन सा गलत है विद रेस्पेक्ट टू सेल वॉल वो देखना. सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल इज अ आउटर मोस्ट इन केस ऑफ प्लांट्स फंगस एंड बैक्टीरियल सेल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर. और अब एक रिजिड स्ट्रक्चर है तो ये सेल को प्रोटेक्शन देगा, सेल को प्रॉपर शेप देगा, एक फ्रेमवर्क बनाएगा. इसी तरीके से जो सेल वॉल है इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन. एक सेल से दूसरे सेल में इंटरैक्शन सेल वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेल टू सेल इंटरैक्शन. अब क्योंकि एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क बनाने में मदद करती है. स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, इस तरीके से. इनफैक्ट ये बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से भी बचाती है. तो इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग. तो इस तरीके से सेल वॉल के ये कुछ फंक्शन हो जाते हैं. तो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए, इंटरैक्शन विद द आउटसाइड वॉल. क्योंकि जो सेल वॉल है एक बैरियर का भी काम करती है, बैरियर टू मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि सेल को जरूरत नहीं है. तो बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल. तो इस तरीके से एक इंटरैक्शन है आउटसाइड एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में अलोंग विद सेल टू सेल इंटरैक्शन. तो ये एक फंक्शन हो जाएगा सेल वॉल का. तो ये तो फंक्शन है. ऑप्शन बी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप. अभी हमने देखा कि जो सेल वॉल है एक रिजिड बाउंड्री बना रही है सेल की, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है एज वेल एज शेप भी है. ऑप्शन सी, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग. जो बैक्टीरियल सेल है या बाकी सेल्स है उनको बर्स्ट होने से कोलैप्स होने से बचाने में सेल वॉल एक रिजिड बाउंड्री का काम कर. तो ये ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन डी, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू इट. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर सेल वॉल से नहीं हो रहा है. ये जो मेजर फंक्शन है ये किसका हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा में. तो सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है. क्योंकि इसका नेचर कैसा है, सेलेक्टिवली परमीएबल. कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर अलाउ होंगे एंड जो भी है वो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाएंगे. तो जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो सेल वॉल का फंक्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी.